गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग क्लास 12th के 18th लेक्चर में, और किस चैप्टर के बारे में बात हो रही, तो आई होप याद होगा, फोर्थ चैप्टर जो कि है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात चल रही थी। बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने किसी आयताकार कुंडली या फिर किसी धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बलागुण के बारे में, टॉर्क के बारे में समझा था। और ये बलागुण इसलिए काम करता था क्योंकि कॉइल के दोनों सिरों पर बल लगता था विपरीत दिशा में। ये करता क्या था, उसको घुमाने का प्रयास करता था। घुमाने का प्रयास हो रहा, इसका मतलब इस पर बलागुण कार्य कर रहा है। अब उसी बलागुण का आज हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। कैसा होता है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, आइए थोड़ा फोकस करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है धारा मापने वाला, और मूविंग कॉयल का मतलब है कि किस मेथड से कॉयल को मूव करा करके, मतलब जब कॉयल मूव करेगी तो वो धारा मेंशन करेगी। मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट यह है कि हम चल कुंडली धारा मापी के द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात करते हैं। ना केवल धारा का मान ज्ञात करते, मैं बता दूं कि ये धारा के लिए मोर सेंसिटिव सिस्टम कहला जाता है। इसका मतलब ये धारा को संसूचित करने में बेस्ट माना जाता है। यही कारण है कि हम इसके प्रिंसिपल में एक और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि चल कुंडली धारा मापी के द्वारा वैद्युत धारा का संसूचन किया जाता है। चल कुंडली धारा मापी के द्वारा परिपथ में वैद्युत धारा का संसूचन किया जाता है। बात समझिएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं चल कुंडली धारा मापी का इस्तेमाल, किस लिए, धारा को संसूचित डिटेक्ट करने के लिए कि सर्किट में कितना धारा आ रही है। और ये बात मैं बता दूं कि सूक्ष्म धारा को भी संसूचित कर सकता है, मतलब छोटे करंट के लिए काफी यूजफुल माना जाता है गैल्वेनोमीटर। आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मैं ये भी बता दूं, यम धारावाही कुंडली पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण पर कार्य करता। ध्यान दीजिएगा, बात समझ आई, ये प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण पर कार्य करता। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता। इसके स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले मुझे जानना होगा कि कैसे ये बनेगा। तो आपको पिछला सारी कहानी याद ही होगी, बस सब लोग उस बात को थोड़ा फोकस करेंगे। फोकस क्या करना है, जैसे मेरे पास दो मैग्नेटिक पोल्स होंगे या दोनों कर्व होने चाहिए, इसको दो मैग्नेटिक पोल कह लो या फिर दो मैग्नेटिक पोल, ठीक है, शक्तिशाली चुंबक, शक्तिशाली चुंबक, ऐसे मैग्नेटॉन भी कहते हैं, मैग्नेटो, ये दो शक्तिशाली मैग्नेटिक पोल्स हो गए। इसी दरमियान यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कर्व होगा, इसके बीच में आपने एक आयताकार कुंडली ले रखी है, ये टॉप व्यू है बच्चों, ऊपर से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में ये आयताकार कुंडली मान लीजिए लगा दिया, और इसके ऊपर हमने सर्कुलरली नर्म लोहे की कोर लपेट रखी है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमने बेलनाकार एक नर्म लोहे की क्रोड बना रखी है, नर्म लोहे की क्रोड। क्या करता है बच्चों ये नर्म लोहे की क्रोड, तो मैं बता दूं कि नर्म लोहे की क्रोड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का कार्य करता है। यहां पे ठीक बीच में
यहाँ पे ठीक बीच में कमानी होती है, कमानी जो कि इसको घूमने के लिए हेल्प करती है, अपनी धुरी पर घूमने के लिए हेल्प करती है, और इसे हम लोग धुरी अथवा कमानी कह सकते हैं। बीच वाला ये सेंटर ओरिजिन से ये अरेंज होता है बीच में कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड आप समझ पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका रेडियल होगा, ये एंटर कर रहा है इससे, लेकिन ये एक दूसरे को काटेगा तो नहीं, आपको पता है, तो ये कुछ इस तरीके से बाहर की ओर निकल रहा है रेडियली। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड एरियल वेक्टर के हमेशा 90 डिग्री पर जाएगा। बात समझ आई? और थोड़ा आप बात करते हैं कि ये तो बात हो गई आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में, अब थोड़ा बात करते हैं इनके अरेंजमेंट पे। तो ये जो आप बेलनाकार सिस्टम देख रहे हैं, इनके साथ हम एक पॉइंटर लगा देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसके साथ मैं पॉइंटर लगा देता हूं, यहां पर एक पॉइंटर लगा दिया जाता है, और ये पॉइंटर रीडिंग लेता है, मतलब संकेतक ये रीडिंग लेता है, और यहां पर आपने रीडिंग चिपका रखी है, लेबल कर रखा हुआ है, ठीक है, 0, 1, 2, 1, 2, 3, यहां पे भी 3, दोनों साइड आपके रीडिंग सेम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन को भी मेंशन करता है, इसलिए दोनों तरफ रीडिंग जो है वो सेम ही रहते हैं, 1, 2, 1, 2 का ऑर्डर दोनों साइड होता है, क्लियर। तो कहानी क्लियर हो रही है बच्चों, यहां पर ये आपका है कुंडली, ये धारावाही कुंडली यही है जिस पर बल लगेगा, इस आयताकार कुंडली भी लगता है, ये आपकी कमानीदार धुरी है जो इस पर फिक्स रहते हैं ताकि इसी पर घूम सके, इस कमानीदार धुरी का कनेक्शन होता है पॉइंटर संकेतक के साथ, जब ये क्वाइल घूमता है तो संकेतक भी साथ में घूमता है, और ये आपका नर लोहे की बेलनाकार क्रोड होते हैं, नर लोहे की बेलनाकार क्रोड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाती है ताकि हमें अच्छे से अच्छा अधिक से अधिक और अधिक से अधिक प्रत्यानयन बल युग्म का आगमन मिले। तो ये कहानी क्लियर हो रही है, ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं जिसको हम मैग्नेटो या फिर शक्तिशाली चुंबक के नाम से जानते हैं, क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। फटाफट से चलते हैं और बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करनी होगी, कार्य सिद्धांत के आधार पर, कार्य सिद्धांत पर, तो क्या होगा, कार्य सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जब आप इस कॉइल में धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक है, किस पर, इस आयताकार कुंडली पर जो आप देख पा रहे हो कुंडली, ठीक है, तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में प्रत्यानयन बल युग्म का आगमन, प्रत्यानयन का मतलब जो उसको वापस लाने का प्रयास करे, प्रत्यानयन बल युग्म, एक इनसाइड याद है ना, एक आउटसाइड पिछले वाले टॉपिक में, बल युग्म का आगमन कार्य करता है, ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा ताऊ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल है किसके, एरिया ऑफ कॉइल के, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 90 होगी, सिंस चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या, अतः थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी, समीकरण एक बना लीजिए, बात क्लियर हो गई। समीकरण एक बन जाते ही आप समीकरण दो की ओर बढ़ेंगे बच्चों, यहीं पे देखते हैं, डायग्राम हमें हेल्प करेगा समझने में। जब ये टाउ हमें मतलब बल युग्म का आघूर्ण इस पर मिला, और ये वाला आघूर्ण सेम लगेगा ऐठन पर, ये कमानीदार धुरी पर,
और कमानीदार धुरी एक पेंच से टाइट होती है जिसका कनेक्शन होता है संकेतक के साथ। तो जब ये कॉइल घूमेगा तो ये कमानीदार ऐठन या कमानीदार धुरी भी घूमेगी जो कि इस कॉइल के साथ ही घूमेगी, मतलब इस पर भी उतना ही बल आघूर्ण कार्य करेगा। जब इस वाले कॉइल पर लगने वाला बल आघूर्ण इस कॉइल पे मतलब ये धुरी पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण या बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगा तब तब ये सिस्टम कुछ विक्षेप देगा। आई सिंस सिंस धुरी कमानीदार धुरी पर बल आघूर्ण के समान हो तब संकेतक पर तो संकेतक या फिर धुरी संकेतक पर विक्षेप प्राप्त होता है, विक्षेप फाइल प्राप्त होता है, प्राप्त होगा। बच्चे प्राप्त होगा तो कितना प्राप्त होगा ये भी तो देखना होगा, तो कितना प्राप्त होगा आइए फटाफट से देख लेते हैं। ये होगा टाउ इज इक्वल टू के फाइव, ये मिला हमको इस पर्टिकुलर कॉइल पर, ये जो पर्टिकुलर धुरी लगी हुई है उस धुरी पर आपको टॉर्क इतना मिला जिसमें ये विक्षेप है। जब इस पर कॉइल पर लगेगा उतना ही बल आघूर्ण, क्योंकि दोनों जॉइंट है तो ये विक्षेप देगा और यही वो विक्षेप और ये उसका कांस्टेंट है जहां के क्या है के ऐठन नियतांक है, ऐठन नियतांक है। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। के क्या है ऐठन नियतांक है, क्लियर। अब मैं यहां से इसको इरेज कर सकता हूं, आपको पता चल गया कि इक्वेशन नंबर वन में ये, इक्वेशन नंबर टू में बच्चों ये टॉर्क लग रहा है। समीकरण एक और दो को बराबर कर दीजिए, समीकरण एक व दो से ये हो जाएगा क्या एम आई ए बी, क्योंकि ये साइन 90 की वजह से क्या हो गया वन हो गया, इसलिए इज इक्वल टू उतना ही टॉर्क आपको इस पर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर धुरी पर रोटेशनल एक्सिस पर और वो है के फाइव। यहां से आप क्या कह सकते हैं कि फाइव बाई आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए बी अपॉन ए, ये हो गया आपका फाइव बाई आई की वैल्यू। एन जो कि स्क्वायर में फेरों की संख्या है जो कि आप फिक्स कर सकते हैं, एरिया स्क्वायर में फिक्स कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आप फिक्स कर सकते हैं, ऐठन आप फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ये आपने फिक्स कर दिया कि कांस्टेंट हो गया, अर्थात आप कह सकते हैं कि फाइ जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या इसके आई के, तो कांस्टेंट हुआ। तो जैसे जैसे आप धारा कॉइल में भेजेंगे वैसे वैसे आपको विक्षेप मिलेगा, यही तो हमें चाहिए कि जैसे जैसे हम धारा भेजें वैसे वैसे विक्षेप मिले और रीडिंग पढ़ लें। तो ये कहानी होती है चल कुंडली धारा मापी की, तो धारा भेजने पर वो विक्षेप दे करके हमें बता दे कि इसमें करंट एक्चुअली आई है, ये हम अपने हाथ से नहीं बता सकते थे, इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिस्टम से पता करें। ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका नाम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। तो समीकरण तीन से फाइव बाई आई कुंडली की धारा सुग्राहिता कहलाती है, धारा सुग्राहिता कहलाती है। बात समझिएगा कि जैसे जैसे आप फाइव बाई आई की वैल्यू चाहते हैं एक्यूरेट, तो फाइव बाई आई की वैल्यू अगर एक्यूरेट चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये वैल्यू अधिक से अधिक होने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू इसके साथ ही बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि फाइव बाई आई जो है वो इन कांस्टेंट के फैक्टर पर भी डिपेंड करना,
ठीक है, तो phi by I के वैल्यू आपकी कहलाती है धारा शुद्धायिता, और यहाँ पे ये धारा शुद्धायिता डिपेंड करती है इन सारे क्वांटिटीज पर जो कि अनुपात है, तो यह कुंडली के निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पहला सी एस कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं बच्चों इसको, धारा शुद्धायिता। करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? एन पर डिपेंड करती है। और किस पर डिपेंड करती है बच्चों? ए पर, कॉइल के एरिया पर डिपेंड करेगी। और किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड पर। और किस पर डिपेंड करेगी? ये कॉन्स्टेंट ऐंठन पे भी डिपेंड करती है, ऐंठन पर। ठीक है, तो ऐंठन जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, ऐंठन जितना कम हो किसमें? इस कॉइल में। ज्यादा ऐंठन होगी तो विक्षेप ज्यादा नहीं मिल पाएगा, तो ऐंठन क्या हो? कम हो, तो ये हमें करंट सेंसिटिविटी उतनी अच्छी देगा। सेंसिटिविटी का मतलब होता है छोटे करंट को मेजर करने की क्षमता। अगर ये वैल्यू अधिक होगी तो हमें अधिक से अधिक इजिली करंट से विक्षेप अधिक से अधिक मात्रा में दिखा करके मिल जाएगा। तो कोई से कर लीजिए फाइव बाय आई की वैल्यू ये ज्यादा से ज्यादा हो। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो धारा शुद्धायिता क्लियर हो गई। धारा शुद्धायिता का कहानी क्या है? अब मैं बात करूंगा वोल्टेज शुद्धायिता, क्योंकि धारा मापी हेल्प करता है वोल्टेज मेजर करने में भी। तो अब हम बात कर सकते हैं आपके वोल्टेज शुद्धायिता। ठीक है, तो वोल्टेज शुद्धायिता क्या होता है? जैसे धारा शुद्धायिता आपको मिलती है वैसे ही वोल्टेज शुद्धायिता भी मिल जाएगी। वोल्टेज शुद्धायिता का मतलब होता है क्या? फाइव बाई वी। जैसे ये होता है फाइव बाई आई बच्चों, ये होता है फाइव बाई वी, मतलब वोल्टेज से विक्षेप प्राप्त होगा। आप इसको लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आई, और साथ में इसको लिख सकते हैं कैपिटल जी, वी को आई जी। आई क्या है? जाने वाला करंट, और जी है उस गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। तो यहां से आप लिख सकते हैं फाइव बाई वी इज इक्वल टू फाइव बाई आई की वैल्यू एन ए बी अपॉन साथ में जी के। तो ये जी के हो गया। तो यहां पर फाइव बाई वी क्या कहलाएगा? वोल्टेज शुद्धायिता, जहां फाइव बाई वी वोल्टेज शुद्धायिता कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये पूरा नियतांक होगा कि पूरे गैल्वेनोमीटर के लिए। ये भी एक रेजिस्टेंस है, अगर मैं रेजिस्टेंस ना बदलूं गैल्वेनोमीटर कॉइल का, तो ये भी एक क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो फाइव बाई वी मतलब वोल्टेज को भी आप इससे मेजर कर सकते हैं। स्पेशल कंडीशन होगी उसकी बताएंगे। तो ये हो गई धारा मापी के मतलब गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज शुद्धायिता और धारा शुद्धायिता के बारे में बातें। आज तो हम लोग पढ़ लिए इसकी खासियत, और मैं बता दूं इसकी खासियत में एक चीज और, कि ये मोर एक्यूरेट मतलब ज्यादा शुद्धायी होता है। इससे हम लोग मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, या माइक्रो एम्पियर मतलब माइक्रो एम्पियर तक की धारा माप सकता है, मतलब ये छोटी धारा मापने के लिए ही बना है। तो ये इसके प्रॉफिट हो गए, फायदे हो गए। अगली क्लास में बच्चे बात करेंगे इसे कुछ डिमेरिट्स, तो इसके लिए करना होगा आपको वेट अगली क्लास के लिए। तब तक धन्यवाद।